अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आए हैं इमली की चटनी की रेसिपी के साथ एंड आई गारंटी यू कि बहुत यमी बनेगी। लेकिन आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सबसे पहले इमली ले रही हूँ, ये ऑलमोस्ट एक पाव है, प्रॉपर एक पाव नहीं है, थोड़ी सी उससे कम है, ठीक है। पुदीना है जो इसमें डलेगा, ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर की क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है, इतनी क्वांटिटी मैंने लेनी है, ये 3 टेबल स्पून बन रहे हैं। और चीनी है, ठीक है, चीनी की क्वांटिटी भी आपको नज़र आ रही है, ये कोई 5 से 6 टेबल स्पून होंगे। चिली फ्लेक्स है, चिली पाउडर है एंड सॉल्ट है, इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने साइमल्टेनियसली एक साथ डालनी है और इन सबको पकाने के लिए रख देना है। सबसे पहले इमली डाल रही हूँ और ये जो बोल है ना, ये 2 डालूँगी, तीसरा मैंने थोड़ा सा फ्री होकर डाल दिया था लेकिन आई रियलाइज़ कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने उसको निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने हाफ अ बोल निकाल दिया, तो ये 2.5 बोल्स मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो तोड़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। अब इसमें बाकी चीज़ें मैं ये मसाले डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको ज़ीरा अच्छा लगता है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चीनी अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतनी डाल रही हूँ, ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और पुदीना डाल रही हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने पकने के लिए रख देना चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया, अब इसको पकने के लिए रखते हैं। आफ्टर फ्यू सेकंड्स जो है इसमें बॉईल आना शुरू हुआ है, ठीक है। अब बॉईल आने के ना कुछ टाइम बाद आप लेवल चेक करें कि कितना लेवल कम हुआ है, ये थोड़ा सा लेवल कम हुआ है, ठीक है। आपने इसको पकाते रहना है और मैं बताऊंगी कि आपने कितने लेवल तक इसे पकाना है। अभी मैंने थोड़ी देर बाद आपको दिखाया तो ये और लेवल कम हो गया, यानी जितना पानी मैंने डाला था ना उससे हाफ ऑफ द लेवल थोड़ा सा कम हो गया ये, ठीक है। अभी हमने इसको और पकाना है और मैं इसमें कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डालूंगी, इसको इसी तरह ऑर्गेनिकली पकाना है आपने और ये थिक भी बनेगी, ठीक है। तो ये बॉयल्स आ रहे हैं, इसको पकाते रहना है और मैंने थोड़ा सा मज़ीद, यानी आपने जितना पानी लिया है ना उससे आपने थोड़ा सा हाफ से भी कम पका लेना, यानी हाफ से भी कम क्वांटिटी कर लेनी। अभी भी आपको पतली लग रही होगी लेकिन ये जो है बिल्कुल भी पतली नहीं बनेगी क्योंकि अभी इसमें इसका पल्प ग्राइंड होगा जो इसको और थिक करेगा। तो जितनी मैंने आपको दिखा रही हूँ ना इतना ये थिन होना चाहिए, ठीक है। ये अब पक चुकी हुई है और इतनी ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि आप एक रिक्वायर्ड फॉर्म ले सकें इमली की चटनी की। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना ठंडा करने रखा क्योंकि ये जो पल्प्स वगैरह इसके निकलेंगे, गुटलियों में से पल्प निकलेगा वो हाथ से निकलेगा और गर्म में तो मैं नहीं डाल सकती हाथ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी और फिर इसमें से मैं हाथ की मदद से पल्प निकाल रही हूँ। और इसके अलावा कोई आसान तरीका है भी नहीं, हाथ आप डालें उससे आप इसके पल्प्स को निकालें या स्पून से निकाल के पल्प्स में पल्प निकाल लें। जब आप हाथ से उसको मैश करेंगे ना गुटलियों को तो पल्प बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि वह पका हुआ होगा, ठीक है। तो ये पल्प आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं वैसे ही खाना चाहते हैं इमली की चटनी को, पल्प को ग्राइंड ना करें, लेकिन अगर आप सर्व करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के साथ तो पल्प को ग्राइंड कर लें। ये मैंने पल्प ग्राइंड कर लिया और इमली की चटनी तैयार हो चुकी हुई है, ठीक है। ये बहुत थिक बनी है, मैंने इसमें कोई किसी किस्म का कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, नथिंग एल्स, कोई भी थिक करने वाली चीज़ नहीं डाली और आपने देखा था कि क्या कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। इसको सर्व करें, आप इसे चाट में डाल सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, ठीक है, इट ऑल अप टू यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।